जुलवाना के हल्दर ग्राम पंचायत में शासन के निर्देश अनुसार आपदा प्रबंधन समिति क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, पटवारी, शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। वहीं बैठक में अजय यादव और दीपक शर्मा ने कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन के जनमानस तक जानकारी देने, प्रोत्साहन करने और कार्यकर्ताओं को जनता के सामने क्या क्या समस्या आ रही है उसकी जानकारी ली। वहीं बैठक में मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को वेबकास्ट के माध्यम से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट के सामने कमेटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाया। बैठक में कुछ प्रस्ताव दिए गए, जिसमें कोरोना कर्फ्यू के समापन के उपरांत किराना पान दुकान, फल सब्जी, सैलून की दुकान वालों को बिना वैक्सीनेशन के दुकान नहीं खोलने देने पर विचार विमर्श किया गया और सदन की कार्यवाही पर विचार किया गया। जुलवाने से रवि महाजन की रिपोर्ट। सचिव महोदय, आज ग्राम पंचायत में किस विषय पर बैठक हुई? शासन स्तर से ग्राम स्तर पर कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। उसी तारतम्य में आज ग्राम पंचायत जुलवाने में हलदड़ के कोरोना क्राइसिस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अभी वर्तमान में जो कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, जब भी भविष्य में कोरोना कर्फ्यू खुलेगा तो उस समय जिन भी दुकानदारों की दुकानें, जैसे फल सब्जी, किराना आदि दुकानों के संचालकों की पहले से ही वैक्सीनेशन की अगर रिपोर्ट होगी तो ही उनको दुकानों का संचालन करवाने दिया जाएगा, अन्यथा में उक्त दुकानदार से अर्थदंड या नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक, जो इस बैठक में निर्णय लिया गया। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।